आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में पूरे प्रदेश में एक माहौल चल रहा था लूलू मॉल का, और लूलू मॉल में जिस प्रकार से असामाजिक तत्व के लोग जो राष्ट्र को तोड़ने की बात करते हैं, जो टुकड़े टुकड़े गेम के समर्थक हैं, जो भारत के टुकड़े होंगे एक वर्ग विशेष का नाम लेकर नारा लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति की मानसिकता सोच वाली लोगों ने लूलू मॉल में नमाज पढ़ी। हम लोगों ने सनातन प्रेमियों ने ये कहा कि पाठ पूजा के लिए मंदिर बना होता है, नमाज के लिए मस्जिद बना होता है। अगर कोई सार्वजनिक केंद्र पर और कोई व्यावसायिक केंद्र पर इस प्रकार के आयोजन हो, अच्छी बात नहीं है। तो पहले दिन भी हम लोगों ने सचेता तो फिर भी कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन पुनः हुआ, तो हम लोगों ने आह्वान किया कि हम लोग भी वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं साधुवाद देता हूँ अच्छे शास्त्री को जिसने इस बात को मन में ठाना कि सनातन धर्म संस्कृति के लिए हम लोग का भी कुछ दायित्व बनता है, और अच्छे शास्त्री वहाँ पहुँच कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो इसके नाते आज सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया, क्योंकि राजा महाबली हनुमान है तो हनुमान जी के दरबार में इनको हमने भगवा वस्त्र धारण करा के स्वागत करके और हनुमान जी महाराज का गदा इनको भेंट किया कि इस गदा से अगर आप सामाजिक कार्य करते हो तो जो गलत मानसिकता के लोग हैं, जो समाज तोड़ने की बात करते हैं, उनको गदा से प्रहार करके और समाज सेवा।